श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 30 जनवरी माघ महीने का आखिरी सोमवार है, यानी माघ का शुभ महीना चल रहा है, जिसे हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा महत्वता इस महीने की बताई गई है। इस महीने में स्नान दान का बहुत ही अधिक महत्व है, तो आखिरी सोमवार है। एक छोटा सा उपाय मैं पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर आपको बताने वाली हूँ। मनोकामना पूर्ति का उपाय है, श्री शिव महापुराण में वर्णित उपाय है। थोड़े से पीले चंदन के साथ हमने ये उपाय करना है। मात्र 24 घंटे के अंदर आपकी जो भी कामना होगी, जो भी आप भोलेनाथ से कहेंगे, जो भी आपके दिल की इच्छा होगी, वो अवश्य पूरी होगी। उपाय बहुत ही चमत्कारी है और अचूक उपाय है। उपाय को अच्छे से समझिएगा और सोमवार के दिन इस उपाय का अवश्य लाभ उठाइए। शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष में वैसे भी जो हम उपाय करते हैं उनका हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। उपाय को पूरा जानने के लिए वीडियो को स्किप नहीं करिए, वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दूसरों के साथ जरूर शेयर किया करें। उपाय करने के लिए गुरु जी ने हमें बताया, हमने लेना है पीला चंदन। अब पीला चंदन जो है, आपके पास अगर लिक्विड फॉर्म में है तो वैसे भी ले सकते हैं, नहीं तो पाउडर के रूप में आप ले लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर आपने उसे पीला चंदन जो है उसका घोल तैयार कर लेना है। इसके साथ हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बेलपत्री। बेलपत्री साफ सुंदर आपने ले लेनी है। कितनी लेनी है हमने? 5। पीला चंदन ले लिया थोड़ा सा और 5 हमने बेलपत्री लेनी है। फिर आपने क्या करना है, इन 5 बेलपत्री के ये जो 3 पत्ते हैं, इनके ऊपर आपने जो है पीला चंदन 3 पत्तियों के ऊपर आपने लगा देना है। जब आप पीला चंदन लगाएंगे, साथ साथ अपनी कामना कहते जाना है, भोलेनाथ का स्मरण करना है, अपनी कामना कहते हुए ये पीला चंदन लगाते जाना है। 5 बेलपत्री पे आपने पीला चंदन 3 पत्तियों पे अच्छी तरह से आपने लगा लेना है। उसके बाद ये जो पूरा जो मैंने आपको बताया पीला चंदन लगाना है, ये मंदिर में जाके भी लगा सकते हैं या घर पे ही आप इसे चंदन को लगाकर मंदिर में आप जा सकते हैं। तो जाना है भोले बाबा के मंदिर में, एक लोटा जल अवश्य साथ लेकर जाएं अपने घर से ही। आपने वहां पर जाकर ये जो 5 बेलपत्री हैं जिन पे हमने पीला चंदन लगाया है, ये आपने एक एक करके विश्वकर्मेश्वर महादेव का ध्यान करना है। यानी विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपने 5 बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। ध्यान रखिएगा, जो डंडी का भाग है ये जलाधारी की ओर होना चाहिए, डंडी का भाग जलाधारी की ओर होना चाहिए। और एक एक करके 5 बेलपत्री आपने अपनी कामना के साथ और विश्वकर्मेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो एक लोटा जल लेकर गए हैं, वो भी भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना के साथ समर्पित कर देना है। इस उपाय को अगर आप एक बार ही पूरी श्रद्धा भावना के साथ करेंगे, तो आपके जो मन की इच्छा है, जो कामना है, ये भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। अगर कुछ ज्यादा समय लग रहा है, आपकी कामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो 5 सोमवार लगातार इस उपाय को दोहराएंगे तो अवश्य ही आपकी कामना जो है वो स्वीकार होगी और भोले बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। तो उपाय को पूरी श्रद्धा भावना के साथ अवश्य करें और इसका लाभ हासिल करें। मन में कोई भी प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।